हमें अपने सेंटर के लिए ये चीज़ें बहुत जरूरी है। अगर हम पेशेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और उसको यहाँ से शांत नहीं कर पाए तो परमानेंट अशांत रहेगा, अशांत रहेगा तो वो हमारे ऊपर भी नेगेटिव की जाएगी। उसका आते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि भैया आप हमें डिटेल से डिपेंड की जरूरत होगी, तो हम क्या क्या उसको आंसर दे सकते हैं बताइए। आप जितनी जल्दी ठीक होना चाहोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको कहां से शांत रहना पड़ेगा, यहाँ और आगे पेशेंस रखनी पड़ेगी। और देखिए इन्होंने न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ए मंथ। और ये मेरे पास तो अभी आई है, पहले जमुना पार जाती थी, जमुना पार ट्रीटमेंट के लिए जाती थी यहाँ से विकासपुरी से। सर उसके अलावा भी तो हमारे पास एलोपैथी से लेके हाईकोर्ट से लेके आईपीएस से लेके आईएएस बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो कुछ नहीं करते, लोगों को पता है कि बीमारी ऐसे ही नहीं आ जाती और बीमारी को निकालना बड़ा संभव नहीं है। अभी हमने तो सीधी बात आपको बोलते भैया आप कोई एक मशीन नहीं हो, आप रेफ्रिजरेटर नहीं हो, आप कूलर नहीं हो, आप फ्रिज नहीं हो, आप पंखा नहीं हो, आप वाटर कूलर नहीं हो, आप कोई टेबल नहीं हो, आप कोई मोबाइल नहीं हो, क्या आपके अंदर कोई बीमारी आ गई और उसको हमने पार्ट को चेंज कर दिया, हम आपको सर्विस दे सकते हैं। गारंटी तो गारंटी तो किसकी होती है? वस्तु की, सही बोला, गारंटी किसकी होती है? वस्तु की। और हम किसकी गारंटी करें? आपके स्वास्थ्य की, आपको अच्छा बना रहे, आप हमारे पास बीमार हो गए, हमने तो बीमार आपको नहीं किया, ठीक है ना, हम आपको ठीक करेंगे तभी तो आप दुनिया के लोगों को हमारे पास भेजोगे। उसके बाद भी वो व्यक्ति शांत नहीं होगा तो हमें उसको शांत करना है, क्योंकि यहाँ से अशांत है, वो परेशान है। और कितने क्वेश्चन होते हैं पेशेंट के, बोलिए, अरे सारे अल्टरनेटिव मेंबर बोलिए बोलिए मैडम जी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हमें पहले एक क्वेश्चन को शांत करना है कि आप हमें कितने घंटे में ठीक कर दोगे। बीमारी आने में तो टाइम लगता है, लेकिन जाने में तो टाइम लगेगा। अभी हम लोग को टाइम दिया कि एक महीना दो महीना, अब ये तो अल्टरनेटिव थेरेपी है, धीरे धीरे बॉडी में असर करेगी, धीरे धीरे चीजों को ठीक करेगी, लेकिन एलोपैथी तो तुरंत ठीक कर देती है, तो भारत एलोपैथी की पड़ी हुई है। तो हमने उनको समझाना है, इस तरीके से हमें उनको ठीक करना है, फिर उनको आदत पड़ जाती है कि हाँ अब हम ठीक हो रहे हैं तो हम लंबे समय तक करेंगे। आगे